एक बार रुख करते हैं अपने सहयोगी रितु बिष्ट की तरफ, जो कि हमारे साथ में ताजा आंकड़े, ताजा अपडेट और ताजा तस्वीर के साथ में इस वक्त जुड़ रही हैं। रितु, बिल्कुल जब्बार, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 70 सीटों को लेकर जो चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है, हालांकि फिलहाल ये रुझान ही है। उसके मुताबिक आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है वो 53 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो 70 सीटों के जो रुझान है वो फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 52% जो वोटिंग शेयर है वो आम आदमी पार्टी का है, वहीं 40% जो वोटिंग शेयर है वो बीजेपी का है। और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी को हालांकि सीटें कम मिल रही हो यहां पर, अभी जो रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ये निराशा यहां पर बीजेपी को नहीं मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले 3 सीटें थी यहां पर बीजेपी के पास, वो अब बढ़कर यहां पर 17 पर पहुंच गई हैं, जो कि फिलहाल रुझान है। लेकिन देखना यह भी है कि जबार जो लोकसभा चुनावों में हमने नतीजे देखे थे, 7 सीटें थी दिल्ली की संसद की, और उनमें से 7 की 7 सीटों पर कब्जा किया था। ऐसे में कह सकते हैं कि वहां से कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि वहां पर अगर जीत मिली है बीजेपी को तो उसका फायदा कहीं ना कहीं दिल्ली के विधानसभा चुनावों में मिलेगा, और वो शायद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। या फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से अमित शाह ने यहां पर प्रचार किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, यूपी के सीएम ने यहां पर प्रचार किया, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंचा है, लेकिन जो दावा यहां पर लगातार किया जा रहा था कि बहुमत का आंकड़ा हमें मिलेगा और हम ही सरकार बनाएंगे, वो फिलहाल पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मनोज तिवारी जिन्होंने कहा कि जिम्मेदारी होती है लेकिन इंतजार की बात भी यहां पर कही है, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, 53 सीटें जहां आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बहुमत यहां पर आम आदमी पार्टी को मिल रहा है।